जन सरोकार मंच के पाती वाचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना, धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सूरज सिंह जी नेगी, मैडम मीना सिरोला, श्री देवेंद्र जी जोशी और अशोक जी सक्सेना का कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से जो अभियान सूरज सिंह जी ने चलाया, चिट्ठी लिखने के दौर से लोग हटते जा रहे हैं, ऐसे में पुरानी कला को, पुरानी परंपरा को वापस चालू करने का माननीय सूरज सिंह जी का अभियान एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया है, जहां अलग अलग विषयों पर अलग अलग पात्रों के द्वारा अपने परिचितों को चिट्ठी लिखी जा रही है। और वो अभियान के उस तहत पुस्तक प्रकाशन हुआ है और आज उसके पाती वाचन में मुझे भी वो चिट्ठी पढ़नी है जो इस अभियान में पिता की पाती अपनी संतान ने लिखी थी। लाडो कटारिया जी जुड़ गई हैं आपका। चिट्ठी लिखना और पढ़ना अब करीब करीब बंद हो गया, लेकिन जिस दौर में चिट्ठियां लिखी जाती थी, लोग अपने कलेजे को चीर कर रख देते थे बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में, और अपनी पूरी भावनाओं को जिस विस्तार से, सिलसिलेवार तरीके से लिखा जाता था, वो अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव था। वो परंपरा टोंक जिले में स्कूलों के माध्यम से और बुद्धिजीवियों के माध्यम से पुनर्जीवित की है माननीय सूरज सिंह जी ने और मीना सिरोला मैडम ने। उसी अभियान में कई पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं, कई पुरस्कार मिले हैं, और अब मैं आज ये इंतजार कर रहा हूँ कुछ लोग और जुड़ जाएं तो फिर इस पास रिश्तों की फसल रूखी सूखी खरपतवार सी, बेटियां झील का किनारा महकते कचनार सी, कि बेटियां बुढ़ापा अक्सर तन्हाई की बैसाखी थाम लेता है, बेटियां उम्मीद का चराग ईश्वर के उपहार सी, और आदमी संज्ञा सर्वनाम के बीहड़ में खो गया, और बेटियां तुलसी काव्य में अनुप्रास अलंकार सी। तो मेरा मानना है कि तुलसी काव्य में अनुप्रास अलंकार की तरह बेटियां होती हैं। मुझे कोई लिख के बताएंगे कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। कोई भी जो वाच कर रहे हैं कृपया कमेंट लिखें तो थोड़ा सा पता लगे क्या कि भाई चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करूँ। जी कोई भी हाँ पता नहीं लग पा रहा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कृपया कोई लिखेंगे जिससे कि पाती वाचन लेकर आता। आपका ही अभियान है जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, और आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस विशाल स्तर पर यह अभियान पहुंचेगा कि पिता की पाती बेटी के नाम, गुरु की पाती शिष्य के नाम, इतने सारी तरह की पातियां आपने लिखवाई है और पूरे टोंक जिले को नहीं अभियान में जोड़ा है। आपका बहुत बहुत आभार। सोनू जी देख रही हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अब शुरू करता हूं मेरी पाती को। मेरी प्यारी बिटिया, बहुत सारा प्यार, हरपाल चौधरी जी आपका अभिनंदन। मेरी प्यारी बिटिया, बहुत सारा प्यार, आजकल चिट्ठी लिखने भेजने का दौर खत्म सा हो गया है, फिर भी मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं। तुम मेरी सबसे बड़ी बेटी हो और तुम्हारे अनुसार हमारे परिचय की अवधि तुम्हारी माँ की तुलना में बस एक साल ही कम है।
तुम मेरी सबसे बड़ी बेटी हो एवं तुम्हारे अनुसार हमारे परिचय की अवधि तुम्हारी माँ की तुलना में बस एक साल ही कम है। विवाह के एक साल बाद ही तो तुम्हारा जन्म हो गया था। यूँ तो तुम मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाई की गवाही रही हो। हमने जो जिया वही तुम्हें समझाया है, फिर भी यह पत्र एक निधि, एक वसीयत के रूप में लिख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है तुम इस पर अमल करोगी और इसे संभाल कर भी रखोगी। सामाजिक मूल्यों तथा संवेदनाओं में काफ़ी गिरावट आ गई है और यह अनवरत आ रही है। मानवीय संवेदनाएं, विशेषताएं जो हमें पशु पक्षियों से अलग करती थी, लगता है अब अप्रासंगिक और अरुचिकर हो गई है। मूल्य और संवेदनाएं हर युग में समाज के प्रवाह का प्रमुख आधार रही हैं। ना तो इनमें अविश्वास करना, ना इनसे विलग होना और ना ही तुम अनास्था के इस दौर में, अस्थिर दौर में विचलित होना। मैंने और तुम्हारी माँ ने ऐसे ही दौर में एक संतुलित और गरिमामय जीवन आँख उठाकर जिया है। जीवन में हम तुम्हें बहुत अधिक सुख सुविधाएं भले ही ना दे पाए हों, परंतु एक दाग रहित साफ सुथरी विरासत दी है। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति सदैव जिम्मेदार रहकर स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। तुम और तुम्हारे भाई बहन इसी तरह सर उठाकर सदैव जीवन को जी सकें, सार्थकता सिद्ध कर सकें, ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। सा विद्या या विमुक्तये। मैंने हर बार तुम्हें इस नीति वाक्य का महत्व समझाया है, आज पुनः स्मरण कराता हूँ। जीवन के समस्त बंधन और वर्जनाएँ, अभाव और अभियोग अज्ञानता की नींव पर खड़े हैं। ज्ञान के संसर्ग से ये स्वतः ही विश्रृंखलित हो जाते हैं, बशर्ते मनुष्य सही अर्थों में विद्या यानी ज्ञान का अर्जन और उपयोग करे। ज्ञान का परिचय व्यक्ति की उपाधियाँ या पद से नहीं, वरन उसके व्यवहार से होना चाहिए। तुम अपने परिमार्जित व्यवहार से सही अर्थों में शिक्षित और संवेदनशील बनकर मेरे संस्कार और तुम्हारी शिक्षा की गवाही दोगी, मुझे विश्वास है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। हमें बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिला है, इससे उऋण होने के लिए हमें एक पुष्प की तरह आकाश को अपनी खुशबू और जमीन को अपना बीज देना चाहिए। हमें बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिला है, इससे उऋण होने के लिए हमें एक पुष्प की तरह आकाश को अपनी खुशबू और जमीन को अपना बीज देना चाहिए। इसी नज़रिए से मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की कुछ शाश्वत और सनातन बातें बता रहा हूँ। इन्हें सदैव जीवन में पार्श्व में रखकर चलना, व्यक्ति की उन्नति से अगर परिवेश में बदलाव ना हो पाए तो यह विकास का भ्रम मात्र है। अतः तुम्हारे शिक्षित होने का लाभ परिवेश को भी मिले, ये कोशिश करना। अपने से छोटों को अपना दायित्व मानकर ऊपर उठाना ही वास्तविक बड़प्पन है। जरूरी नहीं कि सदैव मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य ही किए जाएं। जरूरी नहीं कि सदैव महानता के लिए बड़े बड़े कार्य ही किए जाएं। तुम छोटी शुरुआत और बड़ा नजरिया रखकर हर कार्य प्रारंभ करना। प्रकृति और परिवेश दोनों का निर्दोष होना ही मानव के सार्थक जीने की गारंटी है। अतः तुम प्रकृति और उसके उपांग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा संसाधनों के प्रति सम्यक व्यवहार रखकर प्रकृति की साधक बनना बाधक नहीं। यही समाज में मनुष्य रूप में हम सबकी उपयोगिता है। परिवर्तन समय की गति का एहसास है, सकारात्मक होकर हमें इसका स्वागत करना चाहिए। सामाजिक कुरूतियाँ और अंधविश्वास हमें कूप मंडूक की ओर जड़ बनाते हैं, हमें इन जड़ताओं से बाहर आना ही होगा। बहुत सारी परंपराएँ और मान्यताएँ अब अप्रासंगिक और अनुपयुक्त हो गई हैं, उन्हें छोड़ना होगा। ऐसा भी नहीं है कि समस्त पुरातन खराब और त्यागने योग्य है, जो सही, स्वस्थ और उपयोगी है उसे अपनी प्रज्ञा चेतना से, गुण अवगुण से तथा निवेश सार्थकता की कसौटी पर कसकर अंगीकार करना। समाज और राष्ट्र की समस्त व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने मनुष्य को केंद्र में रखकर बनाई थी। समय के साथ आवश्यकता अनुसार इनमें हर तरह का बदलाव किया जा सकता है, बशर्ते मनुष्य उसके केंद्र में रहें। तुम भी मानव कल्याण के ऐसे हर परिवर्तन की मजबूती से वकालत करना,
कभी भी लकीर का फकीर बनकर विकास के मार्ग को अवरुद्ध मत करना। मेरी बेटी का विवाह हो गया है, स्वाभाविक है मुझे और भी बातें उसको बतानी थी। तुम्हारा विवाह हो गया लेकिन जीवन भर तुम इस परिवार का भी हिस्सा रहोगी और मैं जीवन भर तुम्हारा निगहबान, इसलिए चाहता हूँ तुम दोनों परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्वाग्रह रहित होकर पूरी करो। जिस तरह मुझे तुम पर गर्व है उसी तरह ससुराल पक्ष को तुम पर सदा ही गर्व हो, इस तरह अपने नए किरदार को निभाना। आजकल पैसे तथा महत्वाकांक्षा के कारण रिश्तों की सदियों पुरानी चूल्हें दरक रही हैं, खुशबू खत्म हो गई है और रिश्ता महज एक सतही एहसास बन गया है। अपने परिवार की भावी भीनी परंपराओं को तुम अपने ससुराल बहुत मजबूती से स्थापित करना, ऐसा मुझे उम्मीद भी है और तुम्हें मेरा कहना भी है। मेरी बिटिया रानी, व्यक्ति को भावुक होना चाहिए परंतु इस तरह नहीं कि आंखों के अश्रुकण हमारे लक्ष्य को ही धुंधला दें। जो अपने लक्ष्य के प्रति निर्निमेश होते हैं वही अपना अभिषेक करा पाते हैं। जब भी लक्ष्य तय करो पूरी शिद्दत और सततता के साथ अनथक प्रयास करना, सफलता हर बार तुम्हारे कदम चूमेंगी। अपने सपनों को सच करने के लिए यही गरुड़ की उड़ान है, कर्मयोगी के लिए यही गीता है और यही गीता का ज्ञान है। आजकल स्त्री पुरुष बराबरी की बहुत चर्चा है यह एक सकारात्मक और सार्थक बहस है। नारी किसी भी तरह पुरुष से कम नहीं है, मैं इस मत का प्रबल पक्षधर हूँ, लेकिन मेरी तुम्हें इतनी सी सलाह है कि प्रतिस्पर्धा आकाश में उड़ने की करना, जमीन में गड़ने की नहीं। स्त्री पुरुष समान होने के बावजूद कुछ भिन्न है, यह भिन्नता उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में समर्थ और सार्थक बनाती है। यह कोई कमजोरी नहीं वरन विषय दक्षता है जैसे अलग अलग विषय विशेषज्ञ मानव रूप में तो समान हैं परंतु उनकी कुछ दक्षताएं अलग हैं, इसलिए स्त्रियोचित मृदुलता, कलात्मकता, संवेदनशीलता और गरिमा को सदा ही अपने साथ रखना। आज मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ, कल जमाना तुम में मुझे देखेगा। पिता होने का इतना गर्व मेरी बेटी मुझे दे देना। ढेर सारे स्नेह और आशीष के साथ तुम्हारा पिता। ये चिट्ठी मैंने मेरी बिटिया को लिखी थी। समय 13 मिनट हुए हैं, मेरे को लगता है कि शायद 10-12 मिनट और बाकी हैं। कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे शिक्षकों को याद करना चाहिए। मेरा मानना यह है मान्य सूरज सिंह जी के अभियान में ही लिखी थी, मेरी दृष्टि में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसको पुरस्कार तो नहीं मिला लेकिन मुझे वो चिट्ठी बहुत प्रिय है। और कल शिक्षक दिवस है, शिक्षक की भावनाओं को याद करते हुए वो चिट्ठी मैं पढ़ना चाहूँगा। एक गुरु जिसने गांव में किसी को पढ़ाया और वो बड़ा अफसर बन गया, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन गया, बड़ा गौरव हुआ और उसके बाद किस तरह उनके शिक्षक के सपने टूटते हैं। कविता माथुर जी हैं, आपका बहुत अभिनंदन। लाडो कटारिया जी, आपका बहुत अभिनंदन। तो मैं शिक्षक की भावनाओं को इस पत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये वास्तविक घटना है जो एक शिक्षक के रूप में मैंने किसी के जीवन में महसूस की है, इसको देखा है और वही चिट्ठी के रूप में लिखा है। मेरे प्रिय शिष्य, बहुत स्नेह, बरसों बाद तुमसे मुखातिब हूँ। तुम्हें क्या पढ़ाया और क्या सिखाया अब याद नहीं, बस इतना याद है जब तुम पहली बार मेरी कक्षा में आए थे मेरी नज़रों ने तुम्हारी प्रतिभा को भांप लिया था। धीरे धीरे तुम स्कूल में सबसे प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी बन गए। सारे स्कूल, सारे शिक्षक तथा स्कूल को तुम पर नाज था। सब तुम्हें तराशने में लगे रहे और तुम सीढ़ियां चढ़ते रहे। वह दौर था जब शिक्षक विद्यार्थियों में निवेश करता था। खैर, तुम स्कूल से कॉलेज में गए, फिर प्रतियोगी परीक्षा में
के माध्यम से तुम्हारा सिविल सर्विसेज में चयन हो गया। उस दिन ना केवल स्कूल वरन पूरे गांव ने एक अतिरिक्त दिवाली मनाई थी। तुम एक बार गांव आए भी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा गांव आने का सिलसिला कम होता गया। हम उस दौर के शिक्षक स्कूल से विदा हो गए और कुछ साथी दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे याद है जब तुम्हारे राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के जज्बे की बात सुन तुम्हें समझाने तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाया था। तुमसे बात कर मैंने उन्हें कहा था, माधव प्रसाद जी, ऐसा पुत्र होना पुरखों का पुण्य है। यह हम सबका नाम ऊंचा करेगा, सर फक्र से ऊंचा करेगा। मेरी बात से तुम्हारे पिताजी बमुश्किल सहमत हुए थे, परंतु मैं उस रात सो नहीं पाया था। मुझे लगा था मेरे व्यक्तिगत जीवन की समस्त असफलताओं को मेरी शिक्षकीय सफलता ने ढक दिया है। बहुत अभावों में भी मैं बहुत रहीस हो गया हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में अब गाँव के बस स्टैंड पर दिन का वक्त गुजारता हूँ। आसपास जमा लोगों में अपने जीवन दर्शन और खट्टे मीठे अनुभवों को बांटता हूँ। रिटायर्ड होने के बाद शिक्षक जो करता है वही ये शिक्षक भी कर रहे हैं। कल अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ा कि तुम एक बहुत बड़े रिश्वत और यौन शोषण कांड में फंस गए हो। तुम्हारे पास अकूत संपदा और विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें मिली हैं। तुम रंगे हाथ रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार कर लिए गए हो। यह खबर सुनकर मैं सन्न रह गया। एक बार फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं पिछले 37 सालों से गाए बगाए तुम्हारा जिक्र करता रहा हूँ। मैंने हर पल पूर्ण संतुष्ट होकर जिया है। मैं अपने शिक्षक होने और तुम्हारे मेरे विद्यार्थी होने पर बहुत गर्व करता रहा हूँ। लगता है अब कुएं में भांग पड़ गई है, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, प्रतिष्ठा के मापदंड बदल गए हैं और गुलामी के साधन नाम बदलकर पुनः स्थापित हो गए हैं। ये मेरा तुम पर आरोप नहीं है। मैं अब समय की सड़क पर पीछे चलने की शारीरिक और मानसिक अवस्था में नहीं हूँ। समाज और व्यवस्था को नहीं बदल सकता, पर नए नज़रिए में एकदम अनफिट हूँ। लिहाजा एक गुजारिश है, तुम आज के बाद कहीं भी अपने शिक्षक के रूप में मेरा जिक्र मत करना। बेटा, अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं भ्रम और अवसाद दोनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अपनी जीवन यात्रा को कबीर के मार्ग पर समाप्त करता हूँ। का दीपक तो तुमने स्वयं बुझा दिया, बस मेरा स्नेह साथ रखना। तुम्हारा शुभाकांक्षी हरिप्रसाद। एक शिक्षक की पीड़ा थी, एक चिट्ठी थी जो मैंने पढ़ी, दो चिट्ठियाँ। आप लोग सब मेरे साथ रहे, थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान था और अस्पताल ये मोबाइल की बैटरी कम होने के कारण से मुझे हाथ में पकड़ करके इसको पढ़ना पड़ा, जिससे आपको असुविधा हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों ने सबने समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जन सरोकार मंच और जन सरोकार मंच से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं सम्मान करते हुए, जितने भी बुद्धिजीवी शिक्षक और बेटियाँ महिलाएँ खासतौर से मेरी बातें सुन रही हैं और मेरी भावनाओं को आप लोगों ने सुना है, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हुआ, बहुत धन्यवाद देता हुआ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।